गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल कैलाश अस्पताल ग्रेटर नोएडा में सलाहकार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपसे बेबी कॉलिक मतलब बच्चों में पेट दर्द की समस्या के बारे में बात करूँगा। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताऊँगा कि कॉलिक या पेट दर्द की समस्या क्या है, उसके क्या कॉज और सिम्टम्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और हम इसका कैसे सामना करें और कैसे इसको ट्रीट करें। एक एक करके मैं इन सब बारों सब बातों में सबके बारे में आपसे बात करूंगा। तो बेबी कॉलिक एक टर्म है जो मेडिकल टर्म है, इसका मतलब है कि बहुत फ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग और बहुत इंटेंस मतलब बहुत तेज से बच्चा रो रहा है। इन अ नॉर्मल हेल्दी बेबी, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है और उसमें बच्चा रोए जा रहा है बहुत इंटेंस बहुत समय के लिए विदाउट एनी रीजन। बेबी कॉलिक ज़्यादातर बच्चों में शाम को देखने को मिलता है एंड मोस्टली ये बर्थ के 1 to 2 weeks बाद स्टार्ट होता है और सबसे ज़्यादा 4 to 6 weeks पे वर्स होता है और प्राइमरली शुरू में 3 महीने में बच्चों में देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे उसके बाद ये कम हो जाता है। शाम को पेरेंट्स भी थके रहते हैं और वो देखते हैं कि बच्चा एक्सट्रीमली फसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, चुप भी नहीं हो रहा और बिल्कुल सही है बच्चा, उसके बाद भी रोए जा रहा है, तो ये उनके लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल और टायरिंग होता है। एंड जो कॉलिक की डेफिनेशन है वो ये बोलती है कि बच्चा 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूसली एक दिन में रो रहा है और ऐसा बार बार हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉलिक के सिम्टम्स क्या हैं, कि बच्चा रो रहा है, रोते रोते बिल्कुल ऐसे अकड़ सा गया है, जैसे पेशेंट्स या पेरेंट्स हमारे पास आते हैं बोलते हैं बच्चा बिल्कुल ऐसे ऐड सा गया है, टाइट होता है जब बच्चा रो जाता है, पैरों को बिल्कुल अकड़ा लेता है, मुट्ठी को बिल्कुल बंद कर लेता है ना, पैरों को पेट तक लेके जाता है, अपनी कमर को बिल्कुल अकड़ा लेता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। साथ साथ बच्चा रोते रोते बिल्कुल लाल हो जाता है, बच्चा बिल्कुल रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, वो हंगर क्राई भी नहीं है, बच्चे का डायपर भी अभी चेंज किया था, दूध भी अभी पिलाया था और सेम टाइम पे डेली बच्चा रो रहा है, दैट इज प्रेडिक्टिव टाइमिंग कि उसी टाइम पे हर जो डेली हो रहा है उसी टाइम पे सिमिलर एपिसोड हो रहा है कि बच्चा रोए जा रहा है, लाल हो गया है, बिल्कुल ऐड सा गया है, बिल्कुल फसी सा हो रहा है, रो भी नहीं रहा तो बिल्कुल इरिटेबल हो गया है, फसी हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो वो बहुत ज़्यादा एयर को भी सॉलो कर लेता है जिससे उसको और डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है एंड जब थोड़ी सी गैस रिलीफ होती है तो बच्चे को ठीक लगता है, तो पेरेंट्स को ये भी लगता है कि गैस की समस्या तो ये नहीं है। कॉलिक होता क्यों है, तो इसका कोई एक कारण नहीं है, इसकी बहुत सारे कारण रिसर्चेज में देखने को मिले हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी प्रपोज हुई हैं कि कॉलिक एक नॉर्मल बच्चे का एग्जेजरेटेड मतलब तेज स्वभाव तो नहीं है, या फिर बच्चे को कोई पेट की समस्या तो नहीं है, बच्चे को कोई दिमाग की समस्या तो नहीं है, कोई साइकोसोशल मतलब घर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये पाया गया है कि कॉलिक एक नॉर्मल बच्चे का एग्जेजरेटेड मतलब तेज नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर है, जो एक मिक्सचर है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और साइकोसोशल फैक्टर्स के साथ। बट कॉन्क्रीट रूप से ये नहीं है कि कॉलिक इसी कारण से हो रहा है, बट मल्टीपल बहुत सारी थ्योरीज में और रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉलिक जो है वो प्राइमरली उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो मतलब हमारी आते हैं वो ढंग से डेवलप नहीं हुई है ना, डाइजेशन ढंग से हो नहीं रहा है, गैस ज़्यादा बन रही है ना, बच्चों की मोर्टैलिटी जो हमारी जो आंतों की पाचन क्रिया है वो थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा जो हमारे आंतों में नॉर्मल जो कीटाणु पाए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से खाने को पचाने में हेल्प करते हैं उसका भी थोड़ा सा डिसबैलेंस मतलब पाया गया है, जिसके कारण बच्चों में कॉलिक ज़्यादा देखने को मिला है। समटाइम कई बच्चों में पाया गया है कि ओवर फीडिंग ज़्यादा फीड करने से या फीडिंग प्रॉब्लम से, कुछ बच्चों में एलर्जी की समस्या तो नहीं है, है ना, कुछ बच्चों में फॉर्मूला फीड करते हैं तो उन बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला है, या फिर फैमिली में कोई स्ट्रेस या पेन या मदर या बच्चे का इंट्रैक्शन कैसा है
कोई फैमिली में स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल कारण, मैंने जैसे आपको लिस्ट पूरी लिस्ट सी बता दी कि ये मल्टीपल कारण देखने को मिले कि बच्चे की पेट की समस्या का भी कारण है, कि कोई गैस तो नहीं बनी हुई, या डाइजेशन की कमी तो नहीं है, ढंग से फ्रेंडली बैक्टीरिया तो नहीं है, या फिर घर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसका बच्चे का और मदर का इंट्रैक्शन कैसा है, कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, मदर की हेल्थ तो ठीक है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है मदर में, या फिर हम उसको फीडिंग ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके कारण भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या कोई एलर्जी नहीं है। और कॉलिक जिन बच्चों में होता है उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, जो एंजाइटी को भी बढ़ाता है, उनकी परेशानी को भी बढ़ाता है ना, और उनके लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल और स्ट्रेसफुल होता है कि बच्चा रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, कोई कारण भी नहीं है, बच्चा हेल्थी है। तो हम कॉलिक के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि कॉलिक का ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें यही है कि हमें ऑर्गेनिक कॉज, मतलब बीमारियां, बच्चे कोई बीमारी तो नहीं है, केयरफुल हिस्ट्री लेनी है पेरेंट से कि बच्चे को कोई परसिस्टेंट वॉमिटिंग तो नहीं है, लूज मोशंस तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा है स्टूल में, है ना, बच्चे का वेट देखना है, वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, और कुछ दिक्कतें तो नहीं है, फीवर तो नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कोई बच्चे को रिफ्लक्स तो नहीं है, कोई मिल्क प्रोटीन एलर्जी तो नहीं है, या फिर कुछ और इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इस केयरफुल हिस्ट्री लेने के बाद, इन एग्जामिनेशन करने के बाद, अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम मान सकते हैं बच्चे को कॉलिक है। फिर कॉलिक है तो हम उसका सामना कैसे करना है, हमें पेरेंट्स से डिस्कस करना है, पेरेंट्स से पूछना है कि पेरेंट्स आप लोग इसको कैसे डील कर रहे हो, कैसे बच्चे को, अगर बच्चे का ये बिहेवियर होता है तो आप कैसे उसको इंटरेक्ट करते हो, बच्चे का और पेरेंट्स का इंटरेक्शन कैसा है वो देखना है, और बच्चे को कैसे सूट करना है, मतलब हम बच्चे को जब भी फीड करा रहे हैं तो फीडिंग पोजीशन ठीक है, बच्चा एकदम से बच्चे को ज़्यादा या कम, बहुत तेज़ तेज़ फीड तो बच्चा नहीं सक कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो बच्चे को स्लोली फीड करना है, बहुत स्लोली, है ना, एंड अपराइट पोजीशन में ढंग से लैच करके प्रॉपर फीड करना है ना, एंड स्लोली बच्चे को फीड देना है, बहुत ज़्यादा फीड नहीं देना है, अगर बार 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 थोड़ी सी बच्चा दूध गिरा रहा है तो यह है कि स्लोली एंड स्मॉल वॉल्यूम मल्टीपल टाइम्स वी कैन गिव फॉर बेबी, है ना, फीड करना है ढंग से, बच्चे को बर्प करना है, अपराइट होल्ड करना है, जिससे बच्चे को थोड़ा सा, अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो हम थोड़ा सा रॉकिंग मोमेंट भी बच्चे को कर सकते हैं, बच्चे को कंफर्ट देना है जिसमें बच्चे को आप स्वेडल कर सकें, स्वेडल मतलब होता है बच्चे को ब्लैंकेट में अच्छे से लिटा के अच्छे से सुला सकते हैं, ब्लैंकेट को फेस पे नहीं डालना है, गर्दन से नीचे बच्चे को स्वेडल करना है, बच्चे को थोड़ा सा वॉक पे लेके जा सकते हो, बच्चे की लाइट टमी मसाज कर सकते हो क्लॉकवाइज, जिससे बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिले कि बच्चे को थोड़ा सा मसाज करोगे थोड़ा से बच्चे के पेट में जो गैस वगैरह है वो थोड़ा सा रिलीफ होगी, है ना, और हल्का सा जब भी ऐसा ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चे को ज़्यादा गैस बन रही है, अगर कोई किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी हो रही है तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अब बात आती है कि कोई ड्रग या कोई मेडिसिन तो नहीं है जिससे हम ट्रीट कर सकें, तो मल्टीपल रिसर्च और थ्योरी में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर रिसर्च हुई है, जिसमें ये देखा गया है कि कोई कॉन्क्रीट या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कॉलिक के लिए नहीं है, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है कि हाँ दे दो तुरंत बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा, बच्चे को अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो हम एंटी फ्लैटुलेंट दवाई जो आती है साइमेथिकॉन वो दे सकते हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, दूसरी दवाइयाँ लाइक डाइसाइक्लोमीन या गैस के लिए रिफ्लक्स के लिए प्रोटोन पंप इनहिबिटर, बट वो बच्चे को एडवर्स इफेक्ट कर सकते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों में, तो वो भी अवॉइड करें। दूसरा, अगर बच्चे के पेट में डिसबैलेंस बैक्टीरियाज का होता है जो जिससे बच्चे का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए प्रोबायोटिक्स जो हैं उनका रोल देखा गया है ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों में, कि अगर हम प्रोबायोटिक्स देते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस है तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल करता है, जिससे बच्चों का रोने के जो एपिसोड्स हैं वो आधे घंटे तक देखा गया है कम हो जाते हैं, तो वो भी एक ट्राई कर सकते हैं, बट अदर मेडिसिन जैसे मैंने बताया उनका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, कि गैस की दवाई का
या फिर हम कुछ और देते हैं। हर्बल मेडिसिन्स का भी ज़्यादा रोल नहीं है, हर्बल मेडिसिन देते हैं तो बच्चा दूध ढंग से ज़्यादा नहीं पी पाता है ना। और अलग अलग ड्रॉप्स आती हैं कि इसको देंगे तो ढंग से अच्छा हो जाएगा, ड्राई वाटर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, या फिर सोया फार्मूला देंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ों का रोल नहीं है। मेनली बस प्रोबायोटिक्स का थोड़ा रोल पाया गया है अब तक, बट बाकी किसी मेडिसिन्स का छोटे बच्चों में ज़्यादा रोल मिला नहीं है। अब मिला भी है तो उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है। बस मेनली जो ट्रीटमेंट है वो नॉन ड्रग थेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया है कि बच्चे को ऐसा हो रहा है तो हम उसको कैसे उसका सामना कर रहे हैं, ढंग से फीड कर रहे हैं नहीं कर रहे, बच्चे को ढंग से बर्फ कर रहे हैं, उसको अपराइट पोजीशन में रख रहे हैं जिससे बच्चे का जो टमी का जो की गैस है थोड़ी सी एलिवेट हो जाए, है ना, थोड़ा सा उसको ढंग से रॉकिंग मोमेंट दे रहे हैं, बच्चे को हम लाइट मसाज दे रहे हैं, वॉक पे ले जा रहे हैं, है ना, इस तरह की जो कंफर्ट है एंड स्वेडल कर रहे हैं, तो दीज आर लाइक प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर स्लीप, है ना, पूरा सपोर्ट ढंग से आपको सपोर्ट है या नहीं है, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या परेशान हो रहे हैं तो आप प्रॉपर एक इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट देखें, है ना, जिससे आप लोग इस चीज़ को परेशान ना हो। और बात ये आती है कि कॉलिक है बच्चे को, अभी हम मेरे बच्चे को हमेशा रहेगा, तो कॉलिक ऐसा नहीं है कि हर समय हमेशा रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये कॉलिक जो है 3 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाता है। और इसके लिए आपको गिल्ट भी नहीं लेनी है कि हाँ ये मेरे कारण तो नहीं हो रहा, मैं तो पेरेंट्स हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं, आप लोग जो कर रहे हो वो सब अच्छा ही कर रहे हो, है ना, बट कभी कभार थोड़े से ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं या स्ट्रेस होता है या इंट्रैक्शन होता है बच्चों से, बच्चों के साथ, तो उसके कारण भी थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो प्रॉपर बॉन्डिंग, प्रॉपर इंट्रैक्शन, अगर आपको सोशल और इमोशनल सपोर्ट लेना है तो वो भी आप ले लें, जिससे इसकी चीज़ इसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम हो सके। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा हेल्थी तो नहीं है, अनहेल्थी तो नहीं है, अगर प्रॉपर वेट गेन है और यही चीज़ें हो रही हैं, बाकी कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जैसे मैंने बताया कि फीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लूज मोशंस परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, वेट गेन प्रॉपर है, कोई भी ऐसे ब्लड नहीं आ रहा है स्टूल में, है ना, बाकी उस एपिसोड के बाद बच्चा नॉर्मल हो रहा है, तो मतलब आपका बच्चा सही है ना, ऐसे बच्चा आपका अनहेल्थी नहीं है कि इसके आपको किल्ट करनी पड़े। जब भी कॉलिक हो तो आपको बच्चे को सूत करना है, कंफर्ट करने की कोशिश करनी है, एक बार फिर अपने डॉक्टर को दिखाना है जिससे कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, उसको रूल आउट कर सके प्रॉपर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन से, आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट लेना है टू ओवरकम योर सोशल ओवरकम योर स्ट्रेस, है ना, क्योंकि ये भी बहुत एक स्ट्रेसफुल है कि बच्चा रो ही जा रहा है, कोई रीज़न नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना कॉलिक को ओवरकम। थैंक यू।